जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल पाकिस्तान पिजन क्लब। जी दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको उस्ताद मिठू लाल की 11वें दिन की रिपोर्ट आपके साथ शेयर करूंगा और साथ ये भी बताऊंगा कि 11 दिन में उन्होंने कितने घंटे लगाए। जी दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। जी दोस्तों, उस्ताद मिठू लाल का पहला कबूतर 12 साल पर बैठा, दूसरा कबूतर भी 12 साल पर बैठा, तीसरा कबूतर 120 पर बैठा, चौथा कबूतर उनका 229 पर बैठा, पाँचवा कबूतर उनका 312 पर बैठा, छःवा कबूतर उनका 315 पर बैठा और सातवां कबूतर भी 315 पर बैठा। इसी तरह सात कबूतर बैठे और 62 घंटे 56 मिनट बने। ये तूफान आ गया जी, फुल साल में ठिलाड़ी की छत पे आप देख सकते हैं जी, फुल तूफान आ गया जी। मैंने उधर लाइव में भी ये बात की कि तूफान बहुत तेज है, उस्ताद जी के तीनों कबूतर शो हैं, निकले हुए हैं, तो सब दुआ गो हैं, लेकिन वहाँ पे वीडियो में अगर देखेंगे तो इतनी स्पीड से हवा चल रही थी कि उनका पिंजरे भी हिल रहे थे और पिंजरे गिर भी गए हैं चने उठ रवा में रवा में। अभी मौसम की खराबी की वजह से कबूतर नहीं बैठ सके, अब उन कबूतरों का क्या कसूर है, बेचारा नीचे आया है मौसम खराब में डाल फिर ऊपर गया मगर उस तक तूफान पड़ गया, लेकिन हमारे पसंदीदा कबूतर थे, अगर कोई दोस्त पकड़े दो फ्री कबूतर 1 लाख रुपए हमसे ले ले, हमें वापस कर दे। मेरी एक और ज़रा उस्ताद जी ने बड़ा ऐलान किया है कि अगर काजल कबूतर में काजल कबूतरी मेरी और सलारा कबूतर अगर कोई दोस्त पकड़ता है उनका ऑन द गॉड बात कर रहा हूँ मैं, 1 लाख रुपए मुझसे ले ले फ्री कबूतर के हिसाब से, मेरे कबूतर वापस कर दे अगर किसी के पास हो। और ये कबूतरों का जो उस्ताद जी ने ऐलान किया पर कबूतर 50,000 रुपया 1 लाख रुपये मैं अपनी तरफ से दूंगा, 1 लाख रुपया उस्ताद जी देंगे, 50,000 रुपया मैं अपनी तरफ से दूंगा इंशाल्लाह, और ये 1.5 लाख रुपया हम पहले उसके हाथ में रखेंगे, कोई बंदा हो फिर हम कबूतर लेंगे, कोई पारी कोई तल्लक नहीं, और उसका नाम भी हम सिर्फ रिस्क नहीं लाएंगे इंशाल्लाह, अगर कोई दोस्त पकड़े तो हमारे कबूतर ही वापस कर दें, ठीक कबूतर 1 लाख रुपए दूंगा इंशाल्लाह। दोस्तों ये जो वाले कबूतर है हमारे लगे कबूतर हैं उड़ रहे हैं रेडी, तो किसी के काम जल्दी नहीं आएंगे, बच्चे लेगा चले बच्चे को देख रहे हैं बच्चे उठते हैं या नहीं उठते और बहुत बड़ी बात है, खुशी तुम्हारी है कि अल्लाह पाक खुश मेहरबानी फिर मैं कल कबूतर हमारे वापस आ जाए उम्मीद अल्लाह के सामने कबूतर सामने थे तूफान पड़ा है कबूतर आ सकते हैं। बाकी नसीब की बात है भाई आपके सामने बाजी काफ़ी विनिंग की हुई आज, आज कितने घरों के साथ आपका मुकाबला था और फाइनल था? अरे भाई मेरी 80 घर के साथ बाजी थी तो जिससे मैं 60 घर को क्लियर कर चुका था, और आज जो था ना फाइनल था आज बहुत सारे घरों से हम जीत रहे थे, तो सर आशिक हुसैन से भी विनिंग कर बाजी जा रही थी जी एक बार कबूतर बता रहे थे ना कि हम बैठेंगे तो हम जीत जाएंगे सबसे, तो इन कबूतरों पर लास्ट होता था मगर आज 3-4 बाजियों में लास करनी पड़ी हैं और ज़्यादातर बाजियाँ बराबर हो गई हैं, कम भी हमारी एवरेज ज़्यादा थी क्षेत्र में लास हो गई बाजियाँ और 4-5 इजाफा हुआ, 8-7 बाजियाँ हमारे होंगे टोटल 8-10 की और 10-12 बाजियाँ के करीब बराबर हो गई हैं, इसी तरह फिर बैड लक थी और ये 3 साल हो गए लगातार 11वीं प्रवास में मेरे साथ बैड लक चल रहा है 3 साल मुसलसल हो गए, 2020 में 11वीं प्रवास में मुझे तूफान पड़ गया, 21 में तूफान पड़ा, फिर 22 में गैर पड़ गया, आप तब इधर ही थे, जब भी आप 11वीं प्रवास में आते हैं कुछ ना कुछ बम छोड़ जी मैं तो था ही नहीं यहाँ पे नहीं प्रवास में थे तो आज आपके सामने 2023 11वीं प्रवास थे अली भाई, चल शुक्र कर रहा हूँ आपका, तो आई फील बैड लक
उस्ताद जी देखते हैं ये अगर गेम का अगर मौसम की तब्दीली से बात की जाए, कल भी गर्मी रहती तो बहुत मजा आना था, कबूतर बस का पता। आज देखो कैसे लोग उल्टे हैं, आपके सामने रिजल्ट है। खलीफा नुमान भट्ट साहब भी आ गए, वो लव यू का मैसेज उन्होंने छोड़ा है। लव यू टू भट्ट साहब, कहते हैं कोई गल नहीं, गल नहीं। अल्लाह करे जी, अल्लाह करे, नीचे से आवाज़ आई कि कबूतर आया है। और मैं आगे बात कर रहा था, तुम्हारा परवरदिगार चाहे तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि भाई बड़े उम्मीद नहीं थे, लेकिन अल्लाह करे मोरा मुश्किल कुशा करे जी, कबूतर आ जाए और यहीं से हम भी हैप्पी हो जाए। नीचे से आवाज़ आई बड़ी क्लियर, कबूतर आया, अल्लाह करे हमारा ही हो, सलारा हो या काजल हो जो भी हो, लेकिन वो हमारा ही और बैठ जाए। जी जी नुमान भाई, इंशाल्लाह क्यों नहीं, अल्लाह पाक खैर करेगा। नीचे ऊपर नहीं, ऊपर नहीं बेटा, ऊपर लटका, ऊपर लटका, बाघ बांध कर, बाघ बांध कर यार, मैं नहीं लाना उसको, ऐसा नहीं बांध। ये मौसम बहुत ज्यादा खराब था, आसमान पे कबूतर ठहरने में बात बनती नहीं। तो जी अल्लाह पाक अगर मौजे दिखाने में आए तो सब कुछ कर सकता है। वैसे आपको एक बात बता रहा हूँ, ऊपर ठहरने वाली कबूतर की बात बनती नहीं, इतना मौसम खराब था ना, वो बात नहीं बनती। आपके सामने था कितने बारिश हुई है, कितना मार पड़ा है, अकेला पाके था। ऊपर होगा तो बैठ जाएगा, क्योंकि लैंड में लगे हुए। हाँ जी माशाल्लाह लैंड पे तो उस्ताद जी, अगर सलारे की बात की जाए वो पहली बाजी से उड़ा है या नहीं? नहीं अली भाई, ये काजल कबूतरी आई है छठी प्रवाज में। अच्छा सलारा है इस बाजी में आई है जो गेम, माशाल्लाह काजल कबूतरी वाली जो आई है ना वो आई है छठी प्रवाज में। ठीक है सलारा है चौथी प्रवाज में। तो सलारे की जो प्रवाजें थी वो सारी एक है साढ़े छः की, एक पौने सात की, बाकी सात और आठ के बाद की, तीन उसके आठ के बाद की हैं, तो दो गालबन उसके सात के बाद की। ये दो तीन प्रवाजे तो मैंने भी चलाया, एक दिन सात पैंतीस पे बैठा था गालिब, सात पचपन पे बैठा था, उसके बाद सात अठवंजा पे मादी बैठी थी। हाँ वो काजल बैठी थी, काजल कबूतरी बैठी थी। उस्ताद जी वादी के हालात से, मौसम के हालात से, अगर पंजाब कमेटी को कोई मैसेज देना चाहे डेट में रद्दो बदल की जाए, जिसमें शौकीन का मौसम ना खराब हो, कबूतर ना खराब हो, क्या कहना चाहते हैं? सारे स्टॉक का कोई बात नहीं करना चाहता, छोड़े इन बात। अच्छा जी जो करते हैं करने हैं। नहीं नहीं डेट सिर्फ शुरू पहली यकम जेट से कर दी जाए, असल में हर बंदा मानता नहीं ना, जो कहता है मेरी इंसल्ट हो जाएगी बात मान जाऊँ, लचक करनी चाहिए ना, करते ही नहीं है बस। ठीक है नुकसान तो मेरे ख्याल हर छत को हुआ है, क्या कहते हैं आप इस बारे में? हुआ है काफ़ी इलाके बचे भी हैं, कुछ इलाकों में तो एक प्रवाज खराब नहीं हुई। ठीक है कुछ इलाकों में प्रवाज खराब हुई हैं, अब चारों पांचों जो पहली प्रवाज थे हमारे चारों पांचों खराब थे। ठीक है अब कितना प्रवाज हमारी खराब गुजरी, उसके बावजूद भी हमारा 1100 घंटा बना है। बड़ी बात है उस्ताद जी, एक दिन आपके साथ कबूतर नहीं बैठे, ये नहीं बैठे, दो तीन तो ऐसे नहीं बैठते रहे। बस यार करना क्या कर सकता है, जब शौक मेहनत होती है। वेदर के साहब वो कबूतर कहेंगे जो जाने वाले थे नहीं थे बिल्कुल, और जो प्यारे में हमारे कबूतर आ जाते फिर वो जाते चौथी काम करते हैं। बस ठंड से हमें डर लगता है, ठंड पड़ती है तो हमारे कबूतर नहीं रहते बैठ सकते, जो रात लगे होते वो तो बैठ जाते हैं। जब अरे इतने कबूतर कौन रात लगाता है, नहीं लगा सकता जेट पड़ी, ये भी बस ऐसे ही काजल कबूतर लगी हुई थी इस साल की, वो बहुत अच्छी हो रही है, उसकी प्रवाजें बहुत अच्छी रही हैं, सलारे की प्रवाजें बहुत अच्छी। पंजाब भर में जितने भी इनके के मुकाबले से हमने सबसे भेजी है, और उन दोनों कबूतरों का अहम किरदार था इतने में। बिल्कुल काजल ने और सलारे ने हर फड़क रात की दी है, लाइटों में बैठे हैं। हाँ जी उस्ताद आशिफ हुसैन सेठ जीते हैं, अपना उस्ताद आशिफ हुसैन सेठ जीते हैं, उस्ताद राजा इफ्तार काका साहब सेठ जीते हैं, उस्ताद जफर मब्बा सेठ जीते हैं, उस्ताद आरफ गुजर खान वाले उन सेठ जीते हैं, और इधर उस्ताद राना अनवर काका सेठ लगी हुई थी वो जीते हैं।
मतलब इस तरह काफी घरों से ईंट लगी हुई थी, हम सब से ईंट जीते हैं के मुकाबलों में, तो अहम किरदार उन कबूतरों का था ईंट जीतने में। बाकी फिर पार्ट ऑफ गेम, अच्छे कबूतर थे, नहीं बैठ सकते आज क्या कर सकते, उनका तो कसूर नहीं बेचारों का, उन्होंने जो अपना एक पटा बनाया हुआ था जो बैठते थे, वो बैठते जाने से 10 बाजी पे और चलते थे, उन्होंने बैठ नहीं बैठना, चल पे हाथ पे लग गए थे ना कबूतर, हाथ पे लगे कबूतर बैठते रहते हैं, जो एक जगह बना जाते ना उधर ही बैठते हैं। बाकी किस्मत की बात है जी भाई, क्या कर सकते हैं, कबूतर बाजी फिर भी मौसम खराब के बावजूद भी बहुत अच्छी हुई, हम अपने आप पे बहुत मुतमिन है, कबूतरबाजी बहुत अच्छी रही है, दरवाजे बहुत अच्छी रही हैं, बाकी कोई बात नहीं नसीब की बात है। मिट्टू भाई, अब जब से माशाल्लाह पंजाब खेल रहे हैं, सबसे गंदा जेठ मेरा ख्याल ये 2023 ही है, 2023 क्या देखते हैं कि क्या होना, जो बन गया माहौल कभी सोचा था ये चीज़ आपने? नहीं नहीं, हमने अपने कबूतर गर्मी वाले बनाए हुए थे, हमने बहुत नुकसान किया, हम गर्मी वाले कबूतर बना के बैठ रहे हैं, हमारा तो अभी कहीं बहुत नुकसान हो सकता है, हम अपने कबूतरों को, हमारे कबूतर थे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग कबूतर, हमें तो वो पहले ही बचे ही नहीं है, जैसे ठंड पड़ती रही वो कबूतर भागते हैं, रात रहे आज रात रोज पे रोज रात पे रात आज। माशाल्लाह आपने जहाँ से स्टार्ट लिया था, मौसम की नज़र एकदम आपने कबूतर अदो बदल किए, रिजल्ट चेंज किया, लोग हैरान रह गए, और आपकी परफॉर्मेंस देखे भी एकदम, जब गर्मी पड़ती थी जब आपके कबूतर अच्छे उड़ते थे, आज भी गर्मी थी, आपने नवी कबूतरी पट्टी डाली मैंने दिखाई 2021 से, वो भी माशाल्लाह कुंदा चला रही थी, 44 टेम्परेचर था उस टाइम जी जी, तो बहुत क्या कहते हैं ऐसे कबूतरों के आज की परवाज भी? अरे भाई कबूतर सारे हमारे बहुत अच्छे बैठे हैं, बल्कि एक परसों की परवाज में ना हमारी कबूतरी बैठी है 4:02, वो लड़का शिखर सामने आया तो उसने मुझे कहा कि सर जी ये कबूतरी फट्टे के ऊपर भी नहीं बैठ रही, मैंने कहा क्या हुआ, वो बिल्कुल खब्बी हो चुकी थी, कुंदा शैल हो गया, कुंदा शैल हो चुका था, मैंने उसको छोड़ा वो नीचे गिर गई, फिर पकड़ा फिर छोड़ा फिर नीचे गिर गई, उस कबूतरी ने आज ऐसी आउट क्लास परवाज दी है कि सब शगीद जो थे ना वो हैरान थे, ये कबूतरी आज उड़ी गया से, ये कहते थे ना उसने उड़ना ही नहीं है, माशाल्लाह 3:30 बैठी थी आज, कुंदा उसका बहुत ज़बरदस्त चल रहा था फास्ट कुंदा, बस ऐसे ही भाई मौसम अच्छे रहते तो मज़ा बहुत आना था, शौकीनों को अच्छा शौक देखने को मिलना था, बाकी काफ़ी सारी डिस्टर्ब नहीं हुई शौक में। चलो साहब जी कोई नहीं, बेस्ट ऑफ लक, ये पार्ट ऑफ गेम है, नो प्रॉब्लम, लेकिन फिर भी आप बहुत बड़े प्लेयर हैं, बहुत बड़े दिलेर इंसान हैं और जिंदा दिल शख्सियत हैं, कबूतरबाजी में मुकाम चलते रहते हैं, नो प्रॉब्लम अली भाई। सर जी शहर रबुआ में आपके कितने घरों के साथ मुकाबले थे? शहर रबुआ में तीन घरों से, कौन कौन से सर जी? उस्ताद राजा अपना उस्ताद राना अनवर काका, सही, उस्ताद राना नूमी सफदर बाजी साहब के शगीर्द हैं, उस्ताद रिजवान मिठू साहब वो सफदर बाजी साहब पार्टी। सर जी माशाल्लाह मैं पंजाब में तो लोग आपसे मुकाबले तय करते हैं, लेकिन आपके अपने शहर में भी लोग इतना आपसे प्यार करते हैं कि मैं हूँ के आया हूँ, उन्होंने कहा जी हम मिठू भाई से शौक ना करें हमें मज़ा ही नहीं आता, हम उन्होंने शौक करने के लिए सर कबूतर रखे और प्यार मोहब्बत से हम शौक करते हैं। उन्होंने बहुत अच्छी छतें बनाई, आप देखिए उन्होंने इतने पैसे खर्च किए हैं छतों जी जी, ठीक है, और अच्छे उस्तादों के शगीर्द हुए हैं, लड़के भी बहुत अच्छे हैं, जो राना नौमी बहुत अच्छा लड़का है, राना अनवर काका बहुत अच्छा है जी, जवान मिठू बहुत अच्छा है, और उसका ऑनर है भाई नैयर, वो बहुत अच्छा लड़का है, बहुत ज़बरदस्त इंसान है, तो उन्होंने शौक के लिए काम किए हैं जी, तो हमारे वैसे वो भाई हैं, शौक उन्होंने ये कहा काम है आप लोगों से करना है, तो हमारी तरफ से उनको एनी टाइम मोस्ट वेलकम है। ये कोई बात हुई थी आपके चिट्टे इसलारे को लेके, लेकिन आज लाइव रिकॉर्ड पे उन्होंने कहा जी मैं, मेरा हरीफ है मिठू, लेकिन मैं मुनसब भी ना उधर हो तो उस्ताद मिठू लाली हसन लाली एक मिनट की भी कोई एक सेकंड भी ऊपर नहीं कर सकते बूते लिखवाने में, दो नंबर के बहुत दूर है, मेरा हरीफ है लेकिन मैं हरीफ को अपनी जानता हूँ, मुनसब भी मेरा वहीं पे था, लेकिन लोगों ने अगवा किया कोई बात नहीं, उस्ताद मिठू लाली बहुत अच्छा प्लेयर है और बहुत अच्छा खिलाड़ी है, दिलेरी के मुकाबले करते हैं, लेकिन ये दो नंबर ही है कुछ चिट्टे सलारी कोई बात फेक है, मैं इस चीज़ का मतलब बयान देता हूँ। यही मजे की बात ये होती है कि हमारी जगह पे हमारे हरीफ जो होते हैं ना वो कसम खाने को तैयार होते हैं,
एक छत पे ना ऐसा काम नहीं हो सकता। बिल्कुल वो कसम उठा रहे अली भाई, मैं कसम देता हूँ उस्ताद मिठू लाली हसन लाली ये बात एक कर ही नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते। आप इधर से अंदाजा लगा सकते कि जो हमारे हरीफ हैं वो ये बात हारने के बाद हरीफ की सोच चेंज हुई होती है, वो हारने के बाद भी ये बात करते हैं कि हम उनकी जगह पर कसम देते हैं। एतबार की बात होती है, अली पे जमीर की जीत होती है, इंसान का जमीर जीतता है, ठीक है ना। कबूतर हार जीत होते रहते, अब देख मैं क्या कर सकता हूँ, मैं अब जितना बड़ा प्लेयर बन जाऊँ या क्या मैं मौसम के साथ क्या कर सकता हूँ, मैं कुछ खेल थोड़ी सकता हूँ। तो मौसम की डिबेट है, ऐसे कोई मौसम में आ गया कभी किसी तरह कुछ हो गया, बड़े बड़े प्लेयर पीछे रह जाते हैं कभी कभी मौसम की डिबेट में आ गए हार जाते हैं, तो कुछ नहीं होता, पर हार जीत खेल का हिस्सा है, आप नहीं हारने चाहिए, आप ठीक रहें, आपका प्यार मोहब्बत एक जैसा रहना चाहिए, खेल चलते रहते हैं, खेल में हार भी होती है जीत भी होती है, सदा जो बादशाही होती है वो अल्लाह ताला की होती है, अल्लाह ताला की बेशक ठीक है, नीच ऊंच चलती रहती है गेम में, पार्ट ऑफ गेम है, अगर आप अच्छे खेलें दिलेरी से खेलें आपको कुछ जीते उसको फिर पता चले कि मेरा जोर लगा है। चलें बहुत शुक्रिया जी उस्ताद जी, तो मैं थोड़ा सा